अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपके एक ताज़ा तरीन खबर से आगाह करता हूँ। फजलुर रहमान की हुकूमत को पहली धमकी ये नहीं है कि हम सरेंडर हो जाएंगे, हमने इस्तीफ़ा लेना और लड़ कर लेना है। मौलाना फजलुर रहमान जमीयत उलमा इस्लाम फे के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि अगर हुकूमत रुख्सत ना हुई तो मुल्क में अफरा तफरी होगी, डी चौक या शरारत दस्तूर हो, फैसला अवाम ने करना होगा, शायद ये मेरे इख्तियार से भी बाहर निकल गया है। इस्लामाबाद पहुंचने पर मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि कराची से शुरू होने वाला पुरअमन आज़ादी मार्च का काफिला इस्लामाबाद की हदूद में दाखिल हो चुका है। दौरान सफ़र आम शहरियों के तमाम हकूक़ का मुकम्मल ख्याल रखा गया, हमने अपने अमल से साबित कर दिया कि हम अमन पसंद लोग हैं। उन्होंने कहा कि कहीं नहीं कहा कि हम सरेंडर हो जाएंगे, हमने हतमी तौर पर उनसे इस्तीफ़ा लेना है और लड़ कर लेना है, आराम से नहीं लेना, लेकिन हम समझते हैं कि हमें 2-3 रोज उन्हें इस्लामाबाद में बैठ कर भी मोहलत देनी चाहिए। इस सवाल के जवाब में कि 2-3 के बाद क्या उनका मस्कन डी चौक या शरारत दस्तूर होगा, मौलाना का कहना था कि उसका फ़ैसला अब अवाम ने करना होगा, शायद यह मेरे इख्तियार से भी बाहर निकल गया है, धरना मार्च सब कुछ होगा। तो नाज़रीन आप इस पर क्या राय रखती हैं, अपनी राय के इस बारे में कमेंट बॉक्स में दें। मज़ीद इस तरह के वीडियोज़ के लिए हमारा चैनल लाजमन सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।